दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के एक और सबसे बड़े घमासान के लिए आमने सामने थे दो किंग्स। एक तरफ जहां खड़ी थी चेन्नई सुपर किंग की टीम, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के शेर चेन्नई के गट चेपॉक में एक नया चमत्कार करने के इरादे से आए थे। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले ही जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने पंजाब के कप्तान सैम करन और उन्होंने टॉस जीतकर टीम चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। और फिर गेंद और बल्ले के बीच एक ऐसा घमासान देखने को मिला जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया और यह मुकाबला इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा गया। सबसे पहले चेन्नई की तरफ से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अजिंक्य रहाणे की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। दूसरे ही ओवर में पंजाब के सबसे खतरनाक गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लेते हुए ऋतुराज ने मैदान को चीरते हुए दो करारे चौके लगाए और अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई। तीन ओवर में ही चेन्नई की क्रिकेट टीम 20 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन पंजाब के गेंदबाज भी पिच का बखूबी फायदा उठा रहे थे। पिच धीमी थी, जहां बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी अच्छी खासी मदद मिल रही थी, लेकिन उससे ऋतुराज को कहां फर्क पड़ता है। तीसरे ओवर में एक बार फिर अर्शदीप की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने एक के बाद एक तीन खतरनाक चौके की हैट्रिक बटोर कर पांच ओवर में चेन्नई को 37 रनों तक पहुंचाया और पंजाब के शुरुआत में ही विकेट चटकाने के प्लान पर पानी फेर दिया। तो पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए कप्तान सैम करन को तो उन्होंने दोबारा गेंदबाजी करने के लायक नहीं छोड़ा। खास तौर से अजिंक्य रहाणे, उनका बल्ला इस ओवर में ऐसा गरजा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कुल चार गेंदों को बाउंड्री के पार चौकों के लिए डिपॉजिट कर रहाणे ने इस ओवर में कुल 18 रन बटोरे और इसे अब तक के मैच का सबसे बड़ा ओवर बना दिया। इनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 6 ओवर में ही चेन्नई 55 रनों तक बिना किसी नुकसान के पहुंच चुकी थी। ऐसा लगा था कि इस रफ्तार से वो आसानी से 200 या 250 भी बना लेंगे। पंजाब मुश्किल में नजर आ रही थी और वो आखिर हो भी क्यों ना, उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। 8 ओवर में ही चेन्नई 64 रनों तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने एक मजबूत ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई थी। दोनों खिलाड़ी तेजी से अपने अपने अर्ध शतक की तरफ बढ़ चले थे। चेपक के मैदान पर एक छत्र राज चेन्नई का देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों, एक तभी बहुत बड़ा पलटवार होता है जैसे स्पिन के जादूगर हसप्रीत बराड़ अपनी पारी का नौवा ओवर लेकर आते हैं। उन्होंने तो अपनी जादुई फिरकी से चेन्नई के बल्लेबाजों की कमर ही तोड़कर रख दी। महज दूसरी ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे का शिकार उन्होंने किया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां रहाणे 24 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 29 रन बना पाए, तो अगली गेंद पर मैदान में उतरे शिवम दुबे को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर उन्होंने चेन्नई के मैदान पर पिन ड्रॉप साइलेंस ला दिया था। दो गेंद पर गिरे दो विकेटों ने तो मैच को बराबरी में ला खड़ा किया, तो वहीं गरीबी में आटा गीला नंबर 4 के पायदान पर उपकप्तान रविंद्र जडेजा जरूर आए, लेकिन राहुल चहर की फिरकी के आगे उनकी एक न चली। अपनी लाजवाब स्पिन गेंद से राहुल चहर ने जडेजा का शिकार कर चेन्नई के बल्लेबाजी क्रम को नेस्ते नाबूद कर दिया। 10 ओवर में स्कोर बोर्ड पर केवल 71 रन ही बने थे और चेन्नई के तीन सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। जडेजा भी केवल 2 रन बना पाए। अब मैदान पर कप्तान ऋतुराज के साथ समीर रिजवी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भेजा गया था। उन्होंने संभल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन तीन विकेटों के बाद तो ये T20 मैच जैसे T20 में तब्दील ही हो गया। 15 ओवर में बड़ी मुश्किल से चेन्नई 102 रन तक पहुंच पाई थी। पंजाब ने पूरी तरीके से चेन्नई पर शिकंजा कसा हुआ था। चेन्नई के लिए एक एक रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था और उस मुश्किल की घड़ी में समीर रिजवी भी केवल 21 रन बनाकर वो भी एक चौके की बदौलत रबाड़ा का शिकार हो गए और चेन्नई की पारी दलदल में फंस गई। हालांकि उनके लिए अच्छी खबर ये थी कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ लोन वॉरियर की तरह मैदान पर मौजूद थे। वो एक छोर से अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे, लेकिन हार मानना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। विकेट गिरने का सिलसिला जहां जारी था, तो वहीं 17वां ओवर लेकर आए सैम करन को आड़े हाथों लेते हुए पहले खतरनाक चौका गायकवाड़ ने लगाया, तो अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने केवल 44 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक डाला था। बस यही था मुकाबले का टर्निंग पॉइंट जिसने चेन्नई की मैच में वापसी कराई। जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर भी गायकवाड़ ने छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 20 रन बटोरे और 17 ओवर में चेन्नई को 131 रनों तक पहुंचा दिया।
चेन्नई की पारी तो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर चुकी थी। पंजाब की खुशियों को उन्होंने पल भर में मातम में बदल दिया। उनका साथ निभाने अब आए थे इंग्लैंड की सनसनी मोइन अली, लेकिन दोस्तों असली मुकाबला तो अभी बाकी था। 18वां ओवर लेकर आए आज ड्यूटी की धज्जियां उड़ाते हुए मोइन अली ने एक तूफानी छक्का और एक चौका जरूर लगाया, लेकिन 5वीं ही गेंद पर संदीप ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड कर चेन्नई को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां ऋतुराज 48 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 629 की बहुमूल्य पारी खेलकर वापस लौटे। और उनके आउट होने के बाद महामहिम महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग में जलवा भी खेलने आ चुके थे। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में पंजाब के मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राहुल चहर को गेंद सौंपी और इस गेंदबाज ने फिरकी का ऐसा जाल बुना कि इस ओवर में न केवल मोइन अली का विकेट चटकाया बल्कि कुल 3 रन धोनी जैसे बल्लेबाज को बनाने दिए, जिसने तो चेन्नई को मुश्किल में जरूर फंसाया था। 19 ओवर में चेन्नई 149 रन 6 विकेट गंवाकर बना पाई थी, जहां मोइन अली भी केवल 15 रन बनाकर वापस लौटे। हालांकि पारी के आखिरी ओवर में अर्शदीप का स्वागत धोनी ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया, तो 5वीं गेंद पर धोनी ने कवर के ऊपर से अतरंगी छक्का लगाकर चेन्नई फैंस की खुशियां 10 गुनी कर दी थी। हालांकि पारी की अंतिम गेंद पर धोनी आउट हो गए और 11 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत 14 रन बना पाए। चेन्नई की 20 ओवर में उन्होंने 162 रनों तक उनको पहुंचा दिया, जो इतना बड़ा टोटल बिल्कुल भी नहीं था। इस लक्ष्य करने का जिम्मेदारी अब चेन्नई के घातक गेंदबाजों पर थी। दूसरी तरफ पंजाब को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से प्रभसिमरन सिंह के साथ जॉनी बेरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी और पहला ओवर लेकर आए दीपक चहर को मैदान को चीरते हुए चौके के लिए मारकर प्रभसिमरन ने अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। तो वहीं चेन्नई के लिए मुश्किल तो ये थी कि दीपक चहर गेंद फेंकते फेंकते इंजर्ड हो गए और 2 गेंद बाद ही उन्हें मैदान को छोड़ना पड़ गया। उनके साथ अब ओवर पूरा करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए थे, जिनका स्वागत ही प्रभसिमरन ने गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट करके किया और महेंद्र सिंह धोनी से लेकर चेन्नई के हर एक फैन के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ बैरिस्टो का बल्ला भी दहाड़ना शुरू कर चुका था। ओवर में पंजाब 16 रन बना चुकी थी। साफ तौर पर पता चल रहा था कि पंजाब आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन तभी चेन्नई की धुआंधार वापसी होती है। 4वां ओवर लेकर आए रिचर्ड ग्लीसन ने पहले गेंद पर प्रभसिमरन को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां सिमरन 10 गेंद पर केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में रायल रूसो आए थे, जिन्होंने आते ही मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़कर चेन्नई की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया था। 5वें ओवर में भी मुस्तफिजर को आड़े हाथों लेते हुए रूसो ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाए। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी से 5 ओवर में पंजाब की टीम 39 रन बना चुकी थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर का स्वागत ही बैरिस्टो ने गोली की तरह खतरनाक चौका लगाकर किया था, तो 4थी गेंद को भी चौके में तब्दील कर बैरिस्टो ने अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया। ओवर में पंजाब की टीम 52 रन बना चुकी थी। अब आखिरी 84 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए केवल 111 रन चाहिए थे, जो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन किसने सोचा था कि चेन्नई की क्रिकेट टीम इतना बड़ा पलटवार करने के काबिल है। और फिर ये मुकाबला देखते ही देखते न केवल अंतिम ओवर तक पहुंचा बल्कि आखिरी गेंद पर जो हुआ उसने तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के होश ही उड़ा कर रख दिए। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि पंजाब और चेन्नई में कौन करेगा आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।